इस पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें गिवन है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192। हमें फाइंड आउट करना है 10th टर्म। किसी भी जीपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जानना जरूरी होता है और हमें यहाँ दोनों ही नहीं पता, तो लेट अस सपोज द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज हमें दिया है थर्ड टर्म जिसे हम लिखते हैं ए आर स्क्वायर 3-1, ये गिवन है हमें 24, और हमें गिवन है ए सिक्स जिसे लिखेंगे ए आर टू द पावर 5 6-1, ये गिवन है 192। ये ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। नाउ डिवाइडिंग द सेकंड इक्वेशन बाय द फर्स्ट इक्वेशन तो हमें मिलेगा कैंसिलेशन, यहां से आ रहा है आर क्यूब इज इक्वल टू 8, देयरफॉर आर इज इक्वल टू हमें मिल गया 2। Now putting the value of R in one of the equation here, so A आ रहा है हमारा 6। Now हमें निकालना था 10th term जिसे लिख सकते हैं A R to the power 9। Value put करते हैं so the 10th term of this GP is 3072। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें मैं दो पार्ट पिक कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3। इन दोनों पार्ट में हमें गिवन है 3 टर्म्स जो कि जीपी में है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर ये तीनों टर्म जीपी में है तो इनमें जो कॉमन रेशियो होगा फर्स्ट और सेकेंड में और सेकेंड और थर्ड में ये सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन -2/7 इज इक्वल टू -7/2 अपॉन एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7। कैंसिलेशन करते हैं तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहां से हमें एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू +-1। नाउ सिमिलरली यहां पर भी अगर ये तीनों टर्म जीपी में है तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन रेशियो सेम होगा, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कैंसिलेशन, सो यहां पर हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें हमें गिवन है ए ए स्क्वायर प्लस 2 एंड ए क्यू प्लस 10 आर इन जीपी और हमें ए की वैल्यू निकालनी है। नाउ इफ दीज थ्री टर्म्स आर इन जीपी देन ए टू अपॉन ए वन विल बी इक्वल टू ए थ्री अपॉन ए टू, बिकॉज यहां पर कॉमन रेशियो सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कैंसिलेशन, टू कॉमन आउट करते हैं। सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है वो है नाउ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड लगाते हैं इसमें। तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिल रही है, एक ही एक है 2 और एक है 1/2।